ये देखो एंड के पाउडर है यहाँ पे, जो मैंने उस दिन बताया था ना पीस के कैसे, ये देखो ये पाउडर को आज हम लोग पेस्ट बनाएंगे। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैं पेस्ट का ज़्यादा वो करूँ वीडियो, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसे कुछ बर्तन में से। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी यूज़ करने वाली हूँ इसमें, तो मैं प्लास्टिक का बर्तन नहीं कोई कांच का बर्तन ही यूज़ कर रही हूँ। अब इसका मैं वीडियो ज़रूर जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। और यहाँ पे भी मैंने ले रखा गर्म पानी, मेरा एकदम बॉयल पानी रेडी है, ये भी है यहाँ पे। इन सबको हम मैंने धूप नहीं लगा पा रही हूँ, तो मैंने सोचा इन्हें बॉयल पानी में, धूप पहले लगा दी थी वॉश करके, सब मैंने बेक करके सब रख रखा है, बट फिर भी मैं दोबारा से लगाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो काफ़ी सारा मैंने इसको ले लिया है। देखो अब इसका हम पहले पेस्ट बनाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं इसको गरम पानी डाल रही हूँ, गरम गरम पानी। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही मैं बता नहीं सकती, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना इसमें से। ये तो एक्चुअली मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, ये एंड के मेरा बहुत फेवरेट है, सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है। और थोड़ा सा ऐड करूँगी यहाँ से, ये मैंने थोड़ा पतला ही लिया है ऐसे, क्योंकि मैं इसके अंदर इसको मिक्स करने वाली हूँ, तो ये पूरा इसमें जाके सोक हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा, तो ज़्यादा थिक भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा सूपी भी नहीं रखेंगे। तो चलो अब इनमें से साइड रख देते हैं। अब हम इसे खूब खोलते हुए गर्म पानी में इसे वॉश करेंगे, थोड़ी देर से गर्म पानी में ऐसे रख दूंगी मैं, अच्छे से जो भी है इसका अनवांटेड स्टफ वो खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा गर्म गर्म पानी, और सर्दी में तो कितने भी गर्म पानी में हाथ डालो गर्म ही नहीं लगता। ये मैंने सारा लक्ष्मी प्रिया से लिया हुआ है सारा, ये उनके स्टफ बहुत अच्छे रहते हैं, मुझे बहुत पसंद आया उनका प्रोडक्ट, यू नो नीट क्लीन और फ्रेश, बहुत ही अच्छा रहता है उनका स्टॉक, स्पेशली नकुमर तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहता है उनका, सारा ही फ्रेश है, ऐसा नहीं है कुछ ऐसा, बट मैं बोल रही हूँ नकुमर में तो मैं तो आँख बंद करके कोई भी उनसे ले सकता है। एक गर्म पानी थोड़ा इसमें भी डाल देंगे, इसको भी वॉश करेंगे ना, तो पानी वेस्ट भी करूँ भैया, इसमें डाल देती हूँ मैं, इसको थोड़ा रिंस कर देते हैं यहाँ पे। एक बार और हम इसे गर्म पानी में डाल के वॉश करेंगे। तो हमारे घर में भी कोई आ गया था, मतलब कल रॉन्ग एड्रेस, किसी और के घर में जाना था उसने और मेरे घर में आ गया। अच्छे से खोलते हुए पानी में, बस इसमें पानी लगना काफ़ी है खोलते, क्योंकि ऑलरेडी वॉश्ड ऑलरेडी पहले से था, और मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा रोस्ट भी करके रखा था, धूप भी लगा के रखा है, तो ऑलरेडी ये साफ़ है, बट मैं थोड़ा सा गर्म पानी में डालकर सब फ्रेश करना चाह रही थी, क्योंकि जब हम क्ले रहता है उसके ऊपर जब हम गर्म पानी डालते हैं तो उस अलग ही उसका टेस्ट और उसका अरोमा बहुत ही बढ़ जाती है इसकी, इसलिए कोई मुझे बोलते ना ड्राई क्रंच करो, तो मेरे को बिल्कुल इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें अरोमा नहीं आती और हम इंजॉय भी नहीं कर पाते ड्राई क्रंच को, पूरा मुंह में लग जाती है चोट और बहुत सारी चीज़ें होती है ड्राई क्रंच से, इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब छोटी छोटी चीज़ें तो हम चलो क्रंच कर लेंगे, बट ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें तो ड्राई, तो स्पेशली ये आइटम्स तो ड्राई क्रंच कर ही नहीं सकते, बहुत ही हार्ड होते हैं, एक बार पानी में डाल दो तो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, और क्रंच तो रहता ही रहता है इसमें, ऐसा नहीं कि क्रंच नहीं रहता, इतना अच्छे से सोक हो गया, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो हम इसका पानी अब फेंक देते हैं। ये हमारा रेडी है। तो यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि मेरी वॉइस एकदम गायब हो गई इधर, तो
प्लीज़ आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, और यू नो मैं अब स्टार्ट कर दूँगी उधर डालना कुछ दिन। मैं अभी यहाँ पे भी डाल रही हूँ वीडियो, और शायद मैं इसका वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ इवनिंग को, यहाँ पे नहीं तो वहाँ पे भी अपलोड कर सकते, दोनों में से एक जगह करूँगी। और देखो एक काफ़ी इसमें ना पंजाब के बिस्किट भी थे, वो बहुत अच्छे से हो गए हैं सारे, ब्रोकन थे ये प्रिया लक्ष्मी बालाजी के, यू नो मेरे को प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा है यार, बहुत अच्छा है उनका प्रोडक्ट, यू नो अच्छा लगता है, फ्रेश है, बहुत ही फ्रेश है और बहुत ही अच्छा है। जितना भी अभी तक मैंने उनका लिया है ना प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है। अभी मैंने और ऑर्डर करा है उनसे, तो बहुत जल्द आने वाला है मेरा प्रोडक्ट, और जो बचा कुचा है उससे मैं अभी बना रही हूँ वीडियो। ये देखो यहाँ पे हमारा पूरा अच्छी तरह से सोक हो रहा है, और ये पेस्ट थोड़ा सा मतलब ज़्यादा थिक तो नहीं रहने वाला, थोड़ा सॉफ्ट ही, मतलब कि थोड़ा लिक्विड सूपी सूपी रहने वाला है। तो चलो फिर हम मिलते हैं जल्द से जल्द, मेरे को ना सफाई करने की बड़ी आदत है, अभी यहाँ पे मेरे को लग रहा है इसे कब हटा के मैं यहाँ पे साफ़ करूँ। देखो कितने अच्छे हैं ये, बहुत ही खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। और आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखो, आप लोग देखते नहीं हो, स्किप कर देते हो, तो उसमें यू नो मेरे को ज़्यादा वॉच टाइम तो आ ही नहीं रहा है ज़्यादा, तो इसलिए आप लोग स्किप मत करो, वीडियो पूरा देखो, ताकि मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। अभी मेरे पास एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं है इतना, तो मैं यू नो जो भी है उसमें कर रही हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट आने के बाद में और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी मैं बहुत सारे, तो मेरे साथ प्लीज़ बने रहो और मेरे अच्छे अच्छे वीडियो को देखते रहो। अब मैं ब्लॉग्स डालती हूँ या फिर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ डालती हूँ ना, उसमें तो व्यू ही नहीं है, तो उसको भी देखो। बहुत मैं ऐसे ऐसे वैसे चीज़ें नहीं बता रही हूँ आपको, अच्छी अच्छी खासी टिप्स दे रही हूँ उसमें मैं। तो ये देखो बन के हमारा रेडी है, कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ करने के बाद में चीज़ें अलग ही लगती हैं ना, एकदम फ्रेश अच्छा लग रहा है, और पानी में डालने के बाद तो इनकी अलग ही वो रहती है खुशबू। चलो बाय, सी यू सून।